गर्मी में बनाई यम्मी और टेस्टी मैंगो विस्मसली कस्टर्ड। जब भी आपका कुछ खाने का मन करे मीठा तो आप इसे जरूर बना सकते हैं और ये मिनटों में बन जाता है और देखने में और खाने में हेल्दी है और देखने में तो बहुत ही यम्मी लगता है। तो चलिए आप इस तरीके से जरूर बनाए, गर्मियों में आम बहुत आ रहे हैं तो देखिए कैसे बनता है ये। इसके लिए मैं ले लूंगी एक कढ़ाई, इसमें डालूंगी 2 चम्मच जितना घी, देसी घी लिया है मैंने ये, और ये विस्मसली मिलती है मार्केट में, ये मैंने ले ली है। और इसको हम अच्छा सा इसको ब्राउन कलर होने तक इसे भून लेंगे। और ये मार्केट में कहीं पतली भी आती है तो वो वाली ना लें, अभी थोड़ी मोटी वाली आती है ना छोटे टुकड़ों में, वो वाली लें। जब तक हमारी वो हो रही तब तक हम ले लेंगे कटोरी में 2.5 कटोरी कस्टर्ड और थोड़ा सा रूम टेम्परेचर जैसा, मतलब हल्का कोसा गुनगुना जितना दूध, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठलियां ना बने, किसी तरह का लम्स नहीं होना चाहिए। और ये आप गर्म पानी में, गर्म दूध में घोलेंगे ना तो आराम से घुल जाएगा। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे देखिए हमारी ये विस्मसली का जो है कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल ब्राउन कलर हो गया है, गोल्डन। इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा फुल क्रीम दूध, आपको जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप दूध ऐड करें। आप कस्टर्ड बना रहे हैं तो आपको पता है कस्टर्ड इसमें पाउडर ऐड होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1.25 किलो दूध लिया है। थोड़ा सा इसमें डाला है इलायची पाउडर और ये केसर, अगर आपके पास हो तो केसर जरूर ऐड करें। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है चीनी, चीनी अपने अकॉर्डिंग आप इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। और सबको हम अच्छे से उबलने के लिए रख देंगे, जब तक इसमें एक उबाल नहीं तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए ये एक उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारा कस्टर्ड हमने घोल बना के रखा था ना, वो हम इसमें हम ऐड कर देंगे इस टाइम पे। जो हमारी जो विस्मसली है वो भी काफी हद तक पक चुकी है और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है तुरंत ही, क्योंकि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे स्टेज पे हमारा जो कस्टर्ड है गाढ़ा हो चुका है, देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। और यहाँ जो विस्मसली है ये भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम यहाँ पे गैस को हम कर देंगे ऑफ, ताकि हमारी जो कस्टर्ड है और ज्यादा गाढ़ा ना हो और ये ठंडा होके काफी गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ हम गैस को ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो इसमें हम ऐड कर देंगे मैंगो जो पल्प होते हैं ना, वो हम इसमें ऐड कर दिए मैंगो का, थोड़ा सा ठंडा होकर ऐड करें हम। और यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ चुका था, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़े से, इसको हम थोड़ा सा मिलाकर ठंडा होके ऐड कर देंगे इसमें मैंगो के जो क्यूब्स होते हैं ना, वो हम ऐड कर देंगे। जो आपके क्यूब्स इसमें मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और हो सके तो मैंगो जो है ऐड इसमें ठंडा, मतलब मीठा हो आम, वो वाला ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे हम इसको ट्रांसफर कर देंगे एक बाउल में और इसको हम फ्रिज में रख देंगे। तो थोड़ा सा हमारा ये ठंडा हो गया, तो इसमें हम केसर ऐड कर दिया है और इसको ठंडे ठंडे हम सर्व करेंगे बाउल में। अब मेरे घर में गेस्ट आए थे तो मैं उनके लिए सर्व कर रही हूँ ठंडा ठंडा, और चिल्ड हो चुका है बिल्कुल, ये तो बहुत ही यम्मी लगता है खाने में ये। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऐड कीजिएगा, सर्व करें अपने गेस्ट को। गेस्ट जो खाएंगे ना आपके मुंह में, सबके मुंह में पानी आ जाएगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा गोंद का जीरा ऐड किया है, ये भी बहुत हेल्दी होता है खाना। अब ये भी ऐड करें, और ये ऐड करने के बाद मैंने थोड़ा सा जो चिया सीड्स होते हैं ना, चिया सीड्स मैंने वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी, ताकि ये भी हेल्दी है खाने में, हेल्दी ऑप्शन है। बच्चे इस तरीके से बच्चे जरूर खाएंगे और आपके गेस्ट भी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। आप इस तरीके से यकीन मानिएगा, एक बार जरूर खिलाएं। और यहाँ मैंने चिया सीड्स में बाद में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले इनको भिगोया नहीं था, बाद में ऐड किया। अगर आप कस्टर्ड जब ठंडा ऐड करने लगे ना, तभी आप इसमें गोंद का तीरा ऐड कर दें। और फिर इसके बाद ये क्यूब्स हैं जो मैंगो के, वो मैंने रख लिए थे, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे सभी पे। और क्रंच के लिए थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और ये जो क्रंच देंगे खाने में बहुत ही यम्मी टेस्टी लगते हैं। एक बार इस तरीके से आप जरूर बनाएं और आप जरूर बताएं मेरी वीडियो को, ये आपको खा के कैसा लगा बनाकर। तो आपको कैसा लगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए खाने में, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये, तो जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।